नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। हाथरस में जिस बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से 127 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग घायल हो गए, वो फरार बाबा आखिरकार सामने आ गया है। जी हां, हाथरस कांड के बाद से सूरज पाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्व हरि घटना के बाद फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन अब वो खुद सबके सामने आ गया है। बता दे, हाथरस का भोले बाबा जब कैमरे के सामने आया तो वो अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। इसके बाद उसने ऐसे बयान देना शुरू किया कि मानो वो अपना बयान याद करके आया हो, एक एक शब्द लिखे हुए हो। देखिए पूरी रिपोर्ट। हाथरस में 127 लोगों की मौत के बाद से फरार चल रहे सूरज पाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार विश्व हरि ने पहली बार मीडिया के सामने आकर बयान दिया है। उसने कहा है कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत व्यथित हैं। बाबा ने कहा, प्रभु हमें दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे, सभी शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन और धन से खड़ा रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है और सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामन का सहारा ना छोड़े, वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सदमति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हालांकि इस पूरे बयान में उसने घटना को लेकर खुद को जिम्मेदार नहीं माना। आपको बता दें, किसी के साथ हाथरस कांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर जो फरार था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, उसे शुक्रवार शाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देव प्रकाश मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इसके साथ ही वो बाबा का खास आदमी भी है। हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात की थी। बताया जाता है कि भगदड़ की घटना के बाद से देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा था, उसके परिवार के सदस्य भी लापता हैं। मधुकर के बारे में कहा जाता है कि वह एक समय जूनियर इंजीनियर था, लेकिन बाद में बाबा सूरज पाल का बड़ा भक्त बन गया। बता दें कि हाथरस में सत्संग करने वाले भोले बाबा के बारे में यूपी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। हाथरस भगदड़ कांड की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक SIT का गठन किया था, जिसने इस मामले में अब तक 90 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और इसमें अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे की जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी हैं उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि इस कार्यवाही से वो लोग तो वापस नहीं आ पाएंगे जिन्होंने इस ढोंगी बाबा की अंधभक्ति में अपनी जान गंवा दी और कितने परिवार उजड़ गए, लेकिन हाँ, इस घटना से समाज को एक सबक जरूर मिलेगा और आरोपियों को भी सजा मिलेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।